साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने चार गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है, आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही जुटे रहिए, डटे रहिए, देश का आशीर्वाद आपके साथ है, देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको ट्रेनिंग देने में जुटे इसरो के, गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को भी मैं अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ
कुछ चिंता भी बताना चाहता हूं और हो सकता है वो बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाए। मेरी देश की जनता को और देश के खास करके मीडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो चार साथी हैं उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है, साधना की है और दुनिया के सामने चेहरा दिखाए बिना की है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है, उनको अभी और अपने शरीर को मन को कसना है, लेकिन हमारे देश का हम लोगों का जैसा स्वभाव है अब ये चार सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब वो कहीं जाते होंगे कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेगा, अब उसको सेल्फी भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए, अब थोड़ा मीडिया वाले भी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, उनके परिवार जनों के बाल नोच लेंगे, बचपन में क्या करते थे, यहां कैसे गए, टीचर के पास चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे, यानी एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि इनके लिए वो साधना का कालखंड में रुकावट आ सकती है। और इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अब रियल स्टोरी शुरू हो रही है, हम जितना उनको सहयोग देंगे, उनके परिवार को सहयोग देंगे, ऐसी कुछ चीजों में न उलझ जाए, उनका ध्यान एक ही रहे, हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है, यही भाव रहे, इसलिए हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है, अब तक एक नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है, लेकिन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा।